बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज 1 मार्च ब्रो सोमवार हम बात करेंगे पांच अहम इश्यूज के हवाले से। हमजा शहबाज़ ने लाल झंडी दिखा दी है, जो कैंडिडेट है, बड़ा अहम कैंडिडेट है पीडीएम का, यूसुफ रज़ा गिलानी, उनके हवाले से। और बिलावल जरदारी अब पाँव पड़ गए हैं और बिलावल जरदारी मिनत समाजत पर आ गए हैं। असल मामला क्या है? और मरियम नवाज़ को बिल्कुल जो साइड पर कर दिया है पीडीएम ने, और ये हालत है कि मरियम नवाज़ को कल पीडीएम का बिलावल जरदारी की तरफ से जो इन्विटेशन है वहाँ भी वो नहीं जा रही इस्लामाबाद। मामला क्या है, इस पर मैं आपको डिटेल्स बताऊँगा। साथ MQM से रबता किया पीडीएम ने, वहाँ से भी बड़ी नाकामी हुई। बलूचिस्तान में आज एक मुकमुका करने की कोशिश करते रहे, उसमें भी नाकाम हुए। खैबर पख्तूनख्वा और सारी जगहों पर जो इनका इस वक्त, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफद है उनके चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात हुई है इस फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट का, तो उस पर जो रद्द अमल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हलीम आदिल शेख इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने पोस्ट अरेस्ट बेल मुलजिम की, हलीम आदिल शेख की, जो कि अपोजिशन लीडर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध असम्बली में, दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी हैं। पहले एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट सैटरडे था अदालत ने जमानत का फैसला महफूज कर लिया था, आज वो फैसला सुनाया है और फैसला क्या सुनाया है कि दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसे ही दहशतगर्दी के मुकदमे दर्ज हुए थे कैप्टन रिटायर्ड सफदर के ख़िलाफ़ और राना सनाउला के ख़िलाफ़, मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ भी मुकदमा है। लेकिन वो CCPO उमर शेख को, साबिक CCPO को बदनाम भी किया गया, सारा कुछ किया गया, लेकिन पंजाब की अदालतों ने जो नू लीग है या नू लीग के लोग हैं उनको 780 जिन केसेज़ में लगा हुआ था, उन केसेज़ में भी जो उनकी ज़मानत कबल अज़ गिरफ़्तारी, हम कहते हैं जमानत कबल अज़ गिरफ़्तारी में स्कोप ही कोई नहीं है। दो ग्राउंड्स हैं जिनकी बुनियाद पर जमानत कबल अज़ गिरफ़्तारी कन्फर्म होती है, और हम कहते हैं कि बहुत माइनर स्कोप है, और जो जमानत बाद अज़ गिरफ़्तारी है उसमें बहुत ज़्यादा स्कोप होता है। लेकिन उसके बावजूद यहाँ जमानतें हो जाती हैं जहाँ ये सियासी इंतकाम का ववेला मचाते हैं। और सिंध में पहले जज, एक जज केस सुनना छोड़ देता है, फिर दूसरे जज के पास जाता है, फिर वो फैसला महफूज करता है, और आज दोनों दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। और वो अपोजिशन लीडर भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ के रहनुमा हैं, और क्योंकि उन्होंने असल चेहरा दिखाया था और फिर उनके ऊपर तशद्दुद भी हुआ, वो सांप का मामला, तो ये असल चेहरा है इस PDM का या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ये सारा कुछ करवा रही है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि MQM के पास पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा ज़ोर लगाया। बिलावल जरदारी ने कल भी MQM को PDM में शामिल होने की जो उनको दावत दी थी। अब MQM को इतनी पागल तो है नहीं कि वो मौलाना या मरियम जैसे जो कंगाल लोग हैं उनके साथ वो चलना शुरू कर दे। सियासी तौर पर कंगाल लोगों के साथ वो नहीं चलेंगे, वो हुकूमत के साथ उनका इत्तेहाद था। और कल सारा दिन मीडिया इस बात पर अफवाहें फैलाता रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राहें जुदा कर ली हैं, MQM ने ये किया वो किया, सारी चीज़ें चलती रहीं। लेकिन आज MQM ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वो वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ हैं और ऐसी कोई बात नहीं है, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद ख़त्म करने वाले नहीं हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो उनके मरकज़ भी गई थी MQM के और उनके दफ्तर भी गई थी, वो उनकी जो पेशकश है उसको मुस्तरद कर दिया है। पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ के साथ जो अपना इत्तेहाद है उसको बरकरार रखा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि आज बलूचिस्तान में भी कोशिश की जाती रही, अब्दुल गफूर हैदरी और जो बाकी कायदीन है PDM के, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हुकूमत के साथ वहाँ पर भी कोई सीट एडजस्टमेंट कर लें, और उनकी वो कोशिश भी नाकाम हुई। दूसरी तरफ मौलाना फजलुर्रहमान भी एक मीटिंग बुलाकर आज बैठे हुए हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा में जो उनकी मुतनासिब नुमाइंदगी का जो निज़ाम है उसके तहत जितनी उनकी सीटें बनती हैं अपोजिशन की, उस पर भी वो बातचीत कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के साथ। मामला ये है कि आज जो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ओपिनियन आ गई है, उसके बाद अब ख़रीदारी का तो रास्ता बंद हो गया है। यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वफद जाके मिला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और उनसे जाके मुलाकात करके, वो हुकूमत भी है और वो एक पार्टी भी है, इस वक्त पार्लियामेंट में सबसे बड़ी पार्टी है, वो जाके मिले हैं और उन्होंने कहा है कि ये इस तरीके से आ गया है फैसला और इस फैसले को अब हमने मद्देनज़र रखना है और इस फैसले के मुताबिक आपने इलेक्शन करवाना है। और जिस तरीके से जो उनके पास कुछ खबरें थीं, आसिफ जरदारी ने डेरा लगाया हुआ है, मौलाना ने इस्लामाबाद में डेरा लगाया हुआ है, जो खबरें थीं वो सारी
की सारी उनको जाके बताई और उनसे कहा कि अगर आपने एक्शन ना लिया तो ये मामला आपके हाथ से निकल जाएगा, तो इस मामले पर एक्शन लें। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, शीरी रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि बहुत गलत हो रहा है, इलेक्शन से पहले चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकातें करना बिल्कुल गलत है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकमुका करना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीज़ों को मैनेज करना चाहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को जो ब्लैकमेल करना चाहती है, हरासा करना चाहती है, प्रेशराइज़ करना चाहती है, इस वजह से मुलाकात हुई। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुलाकात करके वापस पलटे ही थे कि मुस्लिम लीग नून का वफद भी चला गया। अब अगर तो इनका कोई आपस में इत्तेहाद होता तो पीडीएम का वफद जाता या पीडीएम का नुमाइंदे जाते, और इससे ये भी बात साबित होती है कि पीडीएम की तो अब ये हालत रह गई है कि अगर नून लीग ने डिस्कस किया होता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि वो अगर जाना चाहते हैं और वो किसी भी तरह से वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जाना चाहते हैं या चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करना चाहते हैं, तो उनको बताना तो उनका बनता था। अब इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शेयर ही नहीं किया और वो ख़ुद मुंह उठाकर चले गए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एतराज़ उठा रहे थे वही लोग उनकी मुनाफ़त देखें कि वो दूसरी तरफ खामोश रहे और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वफद भी जाकर मुलाकात कर रहा है। अब ये भी जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बड़े जो ख़ानदानी मरासम हैं, जो मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सिकंदर सुल्तान राजा उनके साथ, और अब वो या तो वो मरासम दोबारा जो उनको याद दिलवाने गए थे या वो उनसे पूछने गए थे कि हमारे खिलाफ़ क्या जो एलिगेशंस आए हैं या जो इल्ज़ामात या जो एविडेंस आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की तरफ से। यूसुफ़ रज़ा गिलानी ने वो पहले हर तरह से, कभी वो मरियम नवाज़ के पास आ रहे थे, कभी वो जो मौलाना फजल रहमान के पास जा रहे थे, आज उन्होंने एक अनोखा काम किया है, और वो अनोखा काम ये है कि एक तो उन्होंने हर मेंबर को, जितने भी पार्लियामेंट के अंदर मेंबर्स हैं सबसे उन्होंने वोट की भीख मांगी है कि मुझे वोट दे दें, और अपना उन्होंने वो सारे का सारा जो अपना किरदार है वो पूरे पार्लियामेंट के सामने रखा है कि मैं बड़ा ही अच्छा आदमी हूँ, मैंने बड़ी खिदमत की है, मुझे सुप्रीम कोर्ट ने था कि स्विस हुकाम को ख़त लिख दें, मैंने सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी थी, मैंने जरदारी की चोरी बचाई थी, मैंने जरदारी के डाके बचाए, मैंने जरदारी के कहने पर नवाज शरीफ को नवाजा, मैंने तोशाखाना से गाड़ियां निकाल निकाल कर इनको दी, वो सारी जो अपने उनके करतूत हैं या आप उनको उनकी ज़ुबानी जो जो उन्होंने कोई पाकिस्तान की बेहतरी की है, जो हमारी ज़ुबानी ये होगा कि जो जो उन्होंने पाकिस्तान की बर्बादी की है, वो सारे हवाले देते हुए उन्होंने कहा कि जनाब मेहरबानी की जाए और मेरे हाल पर रहम किया जाए और मुझे वोट दिया जाए, और साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी ख़त लिख दिया कि आप भी मुझे वोट दें क्योंकि आपकी जमात जाने कोई और जाने आपको इससे कंसर्न नहीं है, आईन क्या कहता है, पार्लियामेंट क्या कहती है, जमहूरियत क्या कहती है, पार्टी का सिस्टम क्या है, लेकिन मुझे वोट दें, और वो वज़ीर आज़म को भी उन्होंने ख़त लिख दिया है। अगर ये इतने ही अपने आप को जो ये दावा करते हैं कि हम बिल्कुल इलेक्शन जीत चुके हैं, तो फिर ये क्यों लोगों को वोट कर फिर वज़ीर आज़म और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट जो है वो वोट का कह के वो इन सारे मामलों को मैनेज कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि ये खौफज़दा हैं। अब मामला कुछ इस तरह से है कि यूसुफ़ रज़ा गिलानी के हवाले से शहबाज शरीफ और हमज़ा शहबाज़ राज़ी नहीं हैं। हमज़ा शहबाज़ जब बाहर आए हैं और उन्होंने पूरी जमात को संभाल लिया और मरियम नवाज़ जाती उम्रा में गुम होकर रह गई हैं, मरियम नवाज़ ने 26 फरवरी से 3 मार्च तक रहना था इस्लामाबाद में, लेकिन इस्लामाबाद तो क्या जाना था, अब वो उनको किसी ने घास नहीं डाली, उनको किसी ने पूछा नहीं है और मुंह मोड़ लिया है पीडीएम ने उनसे। जब बिलावल जरदारी को ये इल्म में आई कि हमज़ा शहबाज या शहबाज शरीफ ग्रुप तो मैं वोट नहीं देना चाहता, तो उन्होंने कल भी रबता किया बिलावल जरदारी से, आज रबता करके जो कल 2 मार्च को जो बिलावल जरदारी के पास एक वो इशाइया दे रहे हैं उन सारे अपने जो मेंबरान हैं उनके हक में यूसुफ रज़ा गिलानी के वो इलेक्शन के लिए, वो सारे के सारे मामले में बिलावल जरदारी ने हमज़ा शहबाज को कॉल की है, हमज़ा शहबाज ने यकीन दहानी करवाई है कि कल मैं उसमें शरीक हूँ, जबकि मरियम नवाज़ से जब पूछा गया है तो मरियम नवाज़ ने कहा है कि मैं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उनको पता है कि पावर किसके पास है, उनको पता है कि किस के वोट हैं, किसके पास सारी पावर है, कौन इस वक्त नून लीग को संभाल रहा है, कौन नून लीग को चला रहा है, ये सारी चीज़ें जो जानते हैं जो बड़े लोग हैं जो इन सारे मामलों को जानते हैं, बिलावल जरदारी हूँ, आसफ़ जरदारी हूँ, वो सारी चीज़ें जानते हैं।
अब मरियम नवाज़ के हाथ से गेम निकल गई है और हमज़ा शहबाज मुसद का ज़रा ये बता रहे हैं कि हमज़ा शहबाज ने यूसुफ रज़ा गिलानी की हद तक PDM को लाल झंडी दिखा दी है और उन्होंने ये कहा है कि यूसुफ रज़ा गिलानी को आसमान से नहीं उतरा। और उसने ये भी पार्टी में ये भी डिस्कस हुआ है, ख्वाजा साद रफीक ने हमज़ा शहबाज को कहा है कि आपको आसिफ जरदारी के वो काम भूल गया जो उन्होंने हमारे खिलाफ किए थे, अब हम कैसे आसिफ जरदारी को वोट देंगे और हम कैसे उसका साथ देंगे और हम कैसे ये चाहेंगे कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीते और कल मौलाना फजलुर रहमान या यूसुफ रज़ा गिलानी जाकर चेयरमैन सेनेट बन जाएं। तो इन सारे मामलों पर PDM में इख्तलाफात शदीद हो गए हैं, PDM टूट फूट का शिकार हो गई है और ये आपको नज़र आएगा कि हमज़ा शहबाज के बाहर आने के बाद हुकूमत भी और जो हमारी जो मीडिया पर भी ये डिस्कस हो रहा है और हुकूमत भी सेटिस्फाई हो गई कि अब यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं जीतते क्योंकि अब यूसुफ रज़ा गिलानी को नून लीग उस तरह से वोट कास्ट नहीं करेगी और ये बड़ी अहम अचीवमेंट होगी मेरे ख्याल में हुकूमत के लिए। अब देखते हैं सारे मामलों में क्या डेवलपमेंट होती है, जो भी डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।